हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी लर्निंग हब, बिकॉज़ लर्निंग इज लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टडी क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। सो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन व्हाइट वॉशिंग। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड नन ऑफ दिस, व्हिच इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तब इसमें कुछ हीट निकलती है, यानी जिस कंटेनर में हम इसको गर्म जिस कंटेनर में हम वाटर मिलाते हैं क्विकलाइम में, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोलते हैं जनरली, जब इसमें वाटर मिलाते हैं तो उसमें जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इस रिएक्शन के साथ, ये जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, यानी जिस कंटेनर में हम कर रहे होते हैं वो कंटेनर गर्म हो जाता है। साथ ही हिसिंग साउंड होती है, हिसिंग साउंड जैसे कि एक तरह से बुदबुदाहट की साउंड जो होती है। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वॉल्स पर कर देते हैं, पेन वॉशिंग के कर देते हैं, व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, तब वो एटमोस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे 2-3 घंटे में वॉल्स में व्हाइट कलर की चमक आ जाती है और उसका वाटर इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 CaCO3। पहले तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ही रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaOH का होल्ड वाइज, इसमें आपका हीट कहीं पर भी नहीं लिखा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है, नन ऑफ दिस इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है, जब सॉल्ट आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, तो क्या क्या होता है इसमें, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो आपको लगता है इसमें इन चारों में से क्या क्या होता है, ऑप्शन 1 थर्ड और फोर्थ सही है, ऑप्शन बी फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन सी ओनली सेकंड सही है, या ऑप्शन डी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो देखकर बताएं आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, तो NaCl और बेरियम सल्फेट बनाता है। तो
तो इसमें देखो एक्सचेंज ऑफ एटम्स तो कहीं पर भी आपके नहीं हो रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस चेंज हो रहा है क्योंकि सल्फेट आयन SO4 आयन आपका पूरा का पूरा चेंज हो रहा है यहाँ पे Ba के साथ, और Cl आयन चेंज हो रहा है Na के साथ। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। अब प्रेसिपिट इज प्रोड्यूस, देखो व्हाइट कलर का प्रेसिपिट मिलता है BSO4 का जो कि इनसॉल्युबल है आपका, और आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट भी मिल रहा है वही BSO4 के फॉर्म में, और आपका प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है इसमें, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, अब प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन कॉपर रेसिड्यू इज फॉर्म्ड ऑन द डिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 ऑक्साइड, दिस फिनोमेना इज नोन एज सरफेस डीकम्पोजिशन, सरफेस रिडक्शन, सरफेस ऑक्सीडेशन, ऑल ऑफ दिस। प्लीज गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉपर 1 ऑक्साइड मीन्स Cu2O, जिसको हम क्रिस्टल ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कॉपर रेसिड्यू इज फॉर्म्ड, कॉपर का रेसिड्यू बन रहा है, यानी कॉपर आपका कुछ कॉपर मेटल जो है उसका रेसिड्यू बन रहा है। रेसिड्यू किसकी वजह से बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। देखने से पता लग रहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो ये है आपका सरफेस ऑक्सीडेशन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ऑक्सीडेशन क्या है। सरफेस ऑक्सीडेशन इट इज अ केमिकल प्रोसेस बाय विच एन आयोनिक केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द सरफेस ऑफ अ मेटल, यानी जिस मेटल में इट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यानी कि मेटल, किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ी सी थोड़ी घोल देते हैं तो उसमें उसकी ऑक्साइड की लेयर चल जाती है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो यही जो है हमारा सरफेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन इज टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, विच ऑप्शन इज करेक्ट। PbNO3 प्लस 2Ki गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki प्लस PB2I प्लस 2KNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki प्लस PbI2 प्लस 2KNO3 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या PbI2 प्लस KNO3 गिव्स PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा ऑप्शन सही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। स्टूडेंट्स आवर एक्सप्लेनेशन इज पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इसमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है आपको गोल्डन कलर का, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्योंकि इसका जो आयोडाइड होता है आपका पोटेशियम का, वो आपका लेड के साथ रिएक्शन कर लेता है, और जो लेड का नाइट्रेट होता है वो आपका पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आपका ऑप्शन सी सही है इसमें। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, गिव द केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट के जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं मुझे। सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंक रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू प्रोड्यूस जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर, गिव अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। अब
ऑप्शन वन जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट डीकम्पोजिशन, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर आपका जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देखो दो ऑप्शन आपको डीकम्पोजिशन के और दो डिस्प्लेसमेंट, समय रिएक्शन लगभग सेम है, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। रिएक्शन गलत है, जिंक प्लस टू एजी ऑप्शन बी है, जिंक प्लस एजी एनओ थ्री, जिंक नाइट्रेट प्लस एजी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी देखें, जिंक प्लस एजी एनओ थ्री, तो जिंक नाइट्रेट प्लस एजी, अब ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे एनओ थ्री आपका देखो वन है, यहाँ पर टू है, तो ये बैलेंस नहीं है, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है लेकिन बैलेंस नहीं है। अब फोर्थ में जिंक प्लस टू एजी एनओ थ्री, जेड एन एनओ थ्री प्लस टू एजी, लेकिन ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर वेसल लूज देयर शाइन व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू विच रिएक्शन। कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो किस रिएक्शन की वजह से वो अपनी शाइन खो देते हैं, आपको पता है कोरोजन की वजह से होता है, तो इसमें रिएक्शन बताएं आप कौन सा सही है। चलिए मैं बताती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स क्यूप्रस ऑक्साइड, ये भी आपका हो सकता है, एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव कॉपर ऑक्साइड, ये भी आपका हो सकता है, लेकिन ये आपका इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। कॉपर टू है यहाँ पर लेकिन ऑक्सीजन टू नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन भी आपका बैलेंस नहीं है, O2 ऑक्सीजन यहाँ पर टू है, यहाँ पर वन है, लेकिन अगर हम थर्ड रिएक्शन को देखें तो कॉपर के दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स है यहाँ पर, यहाँ पर भी दो एटम्स है, और ऑक्सीजन के दो एटम्स है, ऑक्सीजन के दो, तो आपके थर्ड ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन ए बिकॉज पावर इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ऑप्शन बी बिकॉज ऑक्सीजन इज टेकन इन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बिकॉज एनर्जी इज कंज्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। बिकॉज एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी कमेंट करके बताएं आप। बिकॉज पावर इज रिलीज, कोई पावर रिलीज होती है, पहले हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखते हैं, क्या होती है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल्स, ऑक्सीजन इज टेकिंग इन, ऑक्सीजन अंदर टेक करता है, लेता है, क्या इस वजह से इसको हम
एक्सप्लेनेशन। फेरस सल्फेट आपका होता है लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि ये हीटिंग करने पर डीकम्पोज हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट आपका चेंज होता है गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड में, जो कि ब्राउन कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल गैस होती है। इस रिएक्शन में आपका H2SO4 नहीं बनता है और ना ही वॉटर बनता है। तो आपकी और थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। आपका ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। फेरस सल्फेट आपका डिकम्पोज होगा, फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड देता है। स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन और नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन फोटो रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में अब ये देखो, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है। इसमें कहीं पर भी एनर्जी निकल रही है? नहीं, इसमें सनलाइट की एनर्जी ली जा रही है। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है इसमें।